ये प्रधानमंत्री अगर पीछे चल रहे थे कुछ समय तक, यही मैं ट्रेंड मानता हूं देश का। जो प्रधानमंत्री अजिंक्य है, अजेय है, भगवान के अवतार है, वो भी उनके वाराणसी में, बनारस में पीछे चल रहे थे। ये ट्रेंड है इस देश का, उत्तर प्रदेश का, पूरे देश में जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, क्या ट्रेंड दिख रहा है, मुझे लगता है देश में परिवर्तन होने जा रहा है। एग्जिट पोल को लेकर सवाल उठा, पीएम बनने को लेकर आज आपने उसमें भी लिखा है, ठीक है, ये अभी बात नहीं होगी, 4 बजे के बाद मैं बात करूंगा, अभी पूरे नतीजे आने दो, ट्रेंड स्पष्ट होने दो। लेकिन कुछ जगह पर तो 1-1 लाख का लीड है, जैसे अमर नंदुरबार जो बीजेपी की जगह है, वहां कांग्रेस उम्मीदवार गोविल पाडवी युवा उम्मीदवार है, 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे। नासिक में हमारे शिवसेना के राजाभाऊ वाजे 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। बहुत से ऐसी सीटें हैं हमारी महाविकास आघाड़ी की जहां लाख लाख का मताधिक के लीड अभी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो ट्रेंड मैं देख रहा हूं, वो ट्रेंड जो है वो मोदी जी के खिलाफ चल रहा है। लोकशाही आहे, ही लोकशाही आहे, लोकशाही मध्ये मतदानाच्या माध्यमातून लोक आपला उमेदवार निवडतात, त्याच्यामुळे एखाद्या मतदारसंघात कोण निवडून आलाय आणि का निवडून आलो त्याच्यावर चर्चा करण्यापेक्षा भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधातली एक कार्यकर्ता निवडून आला हे मी मानतो। कितने नंबरों से जीत रही है और बाकी इंडिया कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है 150 क्रॉस कर सकती है। जो कांग्रेस पार्टी को 50 सीट भी नहीं मिली थी 2019 में, वो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अगर 150 सीटों का आंकड़ा पार कर रहा है, उसका मतलब है देश में परिवर्तन हो रहा है। मला असं वाटतं की मी प्रत्यक्ष भाजपचे किंवा एनडीएचे आकडे न देण्यापेक्षा मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार जात आहे, जाण्याची चिन्ह स्पष्ट दिसत आहेत, एवढंच मी सांगतो। महाविकास आघाडी मैंने कहा ना 30 प्लस हम 30 से भी ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। अभी भी आगे पीछे चल रहा है, 20-20 लाख वोट की गिनती होती है, 20-20 लाख वोटों की, तो अभी बताना मुश्किल है। सुप्रिया सुले जी 1.5 लाख वोटों से जीत रही है। आपको ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी जैसा आप कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा सीटें आती है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो राहुल गांधी ने प्रधान, क्योंकि वो हमेशा ये देखते हैं कि वो मैंने इतना ही कहा है, पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन को सक्सेस या यश मिल रहा है, उनके कर्ता धर्ता राहुल गांधी जी है। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सभी नेता थे, जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी है, तेजस्वी यादव जी है, अखिलेश यादव जी है, ममता जी है, सभी नेता हम एक साथ रहे, हमने एक साथ काम किया, शरद पवार साहब है। लेकिन राहुल गांधी ने जो तूफान खड़ा किया, जो आंधी खड़ी की, आप उसका परिणाम देख रहे हो कि कांग्रेस ने 150 सीट तक अपनी छलांग मारी है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये ही हम बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस 150 की छलांग मार रहे है तो हमारा इंडिया ब्लॉक जो है वो बहुमत की ओर जा रहा है। अगर इंडिया सरकार राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी बन सकते हैं। राहुल गांधी देश के नेता है और राहुल गांधी मोदी जी से भी लोकप्रिय है, इतना मैं कहूंगा। थैंक यू।